नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट्टी न्यूज़ खबर कैमूर से है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मिशन 2.51 करोड़ पौधा रोपण कार्यक्रम के तहत राज्य में 9 अगस्त 2020 तक कम से कम 2 करोड़ 51 लाख पौधा रोपण करने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। इस मिशन के अंतर्गत जिले के द्वारा कुल 20 लाख से अधिक पौधों को वन विभाग मनरेगा जीविका कृषि यानी कि NGOCRPF तथा विभिन्न विभागों के द्वारा लगाया जा रहा है। यह कार्य पूर्ण जन सहभागिता के तहत किया जा रहा है। इसमें वन विभाग के द्वारा सभी सरकारी विभागों मनरेगा के तहत सभी पंचायतों जीविका दीदियों सभी अर्ध सैनिक टुकड़ियों बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठनों तथा किसान बंधुओं के सहमति से की जा रही है। 9 अगस्त 2020 को हम लोग बिहार पृथ्वी दिवस मना रहे हैं और यह पृथ्वी दिवस काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहले सरकार का निर्देश था कि उसी दिन 2,51,00,000 पौधे पूरे बिहार में एक साथ रोपा जाए ताकि एक अलग निशान बने, लेकिन इस कोविड संक्रमण को लेते हुए उस 9 अगस्त की तिथि को अंतिम तिथि का घोषित किया गया है और अंतिम तिथि के साथ ही हम लोग उस तिथि को 9 अगस्त को एक समारोह के रूप में मनाएंगे जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर, जहाँ की हमारे विभिन्न स्तर के पदाधिकारी कर्मी हम लोग जा करके वहाँ के लोगों से बात करके एक उसको उत्सव के रूप में मनाएंगे, वहाँ से प्रतिनिधि शामिल होंगे। और अभी तक आपको मैं बता दूं कि कैमूर जिले में हमारा जो लक्ष्य था हम लोग लक्ष्य के अनुरूप सफल रहे हैं। वन विभाग ने 14,20,000 पौधा लगाया है और 3 लाख हमारा मनरेगा का लक्ष्य था, जिसमें कि हम लोगों ने जो 9 अगस्त की तिथि से एक सप्ताह पूर्व ही उसको पूरा कर लिया। तो विभाग के द्वारा 1 लाख और टारगेट हमें दिया गया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिसे भी कंप्लीट कराइए, और इसमें हमारे मनरेगा की टीम भी साहब के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य विभाग हैं, जीविका हैं और कई पद प्रमंडल हैं, भवन प्रमंडल हैं और अन्य शिक्षा विभाग कई विभाग हैं जो वन प्रमंडल से पौधा लेकर के इस बार वृक्षारोपण कर रहे हैं। और कुल हम लोगों ने यह लक्ष्य रखा है कि 21,65,000 से ज़्यादा पौधा लगाएंगे। इसमें हमारे आम जनता का सहयोग हो तो हम इस लक्ष्य को और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और बड़ी हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। निश्चित रूप से कैमूर में हमारे जो वन क्षेत्र है वो लगभग 43% है और इस बार जो हम लोगों ने वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है और किया है, इससे जो वृक्षा जो हमारा वृक्ष की जो घनत्व है वह घनत्व काफ़ी बढ़ेगा और कुछ दिनों में कैमूर की आबो हवा हरित कैमूर के साथ ही काफ़ी बदल जाएगी। इसमें आमजनों से भी काफ़ी सहयोग है कि वृक्षारोपण तो हम लोगों ने किया है और करा है, लेकिन इसमें सभी जनता का, हमें एक एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए ताकि उस सहयोग रहेगा तभी इस वृक्ष को हम बड़ा कर सकेंगे और इसका हम फल भी प्राप्त होगा और हम इसकी हवा भी जो है सही तरीके से ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि कैमूर में विभिन्न योजनाओं के तहत जल संरक्षण पे इतना बढ़िया काम हुआ है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वाटर टेबल बढ़िया कैमूर का हुआ है 10 फीट 4 इंच पूरे बिहार में। तो ये कैमूर की जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है और मैं चाहता हूँ कैमूर की जनता से अनुरोध करता हूँ इसी तरीके से वो और हम लोगों का सहयोग करते रहें और हम लोग साथ में मिलकर काम करते रहें तो कैमूर को हम एक नया निशान दें।